सुंदर पिचाई, इंदिरा नुई पेप्सिको, सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट, इन सबको निकाल देना चाहिए। वो यहाँ की मीडिया टेक ऑफ नहीं करते, लेकिन वहाँ वॉशिंगटन पोस्ट ने उस खबर को छापा है और पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है और हो सकता है कि सुंदर पिचाई को रिजाइन करना पड़े। ये कहीं भी चले जाए, जाति का जहर इनमें से जाता नहीं। पराग अग्रवाल ने जिस तरह से राहुल जी का भी ट्विटर, पराग गुप्ता और मेरे ट्विटर को मैंने देखा है कि जो 8,000-10,000 लाइक तक जाता था वो 500-600 तक रुक जाता है। दलित तो ज़्यादातर सांसद मरे हुए हैं, बुजदिल, इतने कायर हैं कि डर की वजह से बोलते नहीं, तो मैं क्या उम्मीद करूँ। मेरे साथ डॉक्टर उदित राज हैं। क्या होगी देश की राजनीति जब आप इनका ट्विटर देखेंगे तो लगातार वो लिख रहे हैं पार्टी से इतर जिस तरह से लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार सुरक्षित हो रहे हैं। और अब तो मामला आया है कि गूगल में भी जातिवाद है और वहाँ इंटरनेशनल डिस्कोर्स शुरू हो रहा था और उसको नहीं होने दिया गया और उसमें जो आरोपी है वो सुंदर पिचाई। सर कैसे देख रहे हैं ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, इस पर अब ग्लोबल डिस्कोर्स हो रहा है जिसको लेकर आपको लोग कहते हैं कि उदित राज जी जातिवाद फैलाते हैं, अब तो ग्लोबल डिस्कोर्स में। नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने, वहाँ के सेनेट में पास हुआ है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एडाप्ट किया, बड़ा विरोध किया। और आपका जो कंपनी है सिस्को में पहले मामला आया था, सिस्को का मामला पहले आया था तो एक्नॉलेज नहीं कर रहे। तो सिस्को में क्या हुआ था, जो बास था इंडियन ही था, सवर्ण था, जूनियर दलित थे, उनके साथ में भेदभाव हुआ। वो धीरे 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 मामला आगे बढ़ता गया, तो फिर जब सर्वे किया गया तो पता लगा कि 60-70% जो इंडियंस हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हुए हैं। देन सेनेट ने वहाँ पर अडॉप्ट किया। सेनेट का विरोध हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने किया भी, लेकिन सेनेट यहाँ का नहीं है कि प्रभावित कर लेंगे। अल्टीमेटली डिस्क्रिमिनेशन हिस्सा वहाँ का बन गया है, जो यूनिवर्सिटी का है या वहाँ के रूल्स रेगुलेशन है कि ये दिस इज अ सॉर्ट ऑफ क्राइम, ये एक अपराध की संख्या में आ चुका है जो कि पहले नहीं था, क्योंकि विदेशियों के लिए ये नया चीज थी या कहा जा सकता है कि अनजान चीज थी। सर क्या लग रहा है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का डिस्कोर्स आप शुरू करते हैं, आप JNU से पढ़े हैं, IRS रहे हैं, ग्लोबल एक्सपोजर आपने देखा है, वो यहाँ की मीडिया टेक ऑफ नहीं करते, लेकिन वहाँ वॉशिंगटन पोस्ट ने उस खबर को छापा है और पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है और हो सकता है कि सुंदर पिचाई को रिजाइन करना पड़े। देखिए, जो अग्रवाल है ट्विटर का, हाँ। मुझे डाउट है इसके ऊपर, क्योंकि पराग गुप्ता हाँ। सुंदर पिचाई, इंदिरा नुई पेप्सिको, सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट, इन सबको निकाल देना चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। लेकिन सर ये लोग एशिया डाइवर्सिटी, एशियन रिजर्वेशन के नाम पर वहाँ बड़े पदों पर, एक बड़ा खुलासा हुआ है गूगल में, नेशनल दस्तक के एक दर्शक हैं जो अभी हैं, उन्होंने कहा है कि शंभू जी जैसे भारत में SC ST एक्ट के खिलाफ OBC को भड़काया जाता है, उसी तरह से चूंकि एशिया, चाइना और भारत के लोग को रेसिज्म का कोई इतिहास नहीं है, इसलिए इनको बड़े पदों पर बैठाया जाता है ताकि ब्लैक लोगों को जगह ना मिले। उसको एथनिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, तो एशिया के लोगों का एथनिक रिप्रेजेंटेशन। मैं कैपिटल हिल बिल्डिंग अमेरिका में मैं रिप्रेजेंट किया हूँ, कांग्रेसनल हियरिंग में आई एम अवेयर ऑफ इट, कि वहाँ पर एथनिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ब्लैक का भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं, सबका देते हैं, लेकिन ये कहीं भी चले जाए, जाति का जहर इनमें से जाता नहीं। पराग अग्रवाल ने जिस तरह से राहुल जी का भी ट्विटर, पराग गुप्ता और मेरे ट्विटर को मैंने देखा है कि जो 8,000-10,000 लाइक तक जाता था वो 500-600 तक रुक जाता है। ट्वीट उसी है, फॉलोअर वही है, कंटेंट लगभग वही है, तो ट्विटर भी पूरा कंट्रोल्ड है, फेसबुक भी पूरा कंट्रोल है, फेसबुक का एडवर्टीजमेंट BJP के लिए। सर क्या लग रहा है, क्या हमारे देश में डॉक्टर उदित राज के अलावा SC ST OBC माइनॉरिटी के जो नेता हैं उनका कोई ग्लोबल थिंकिंग नहीं है, वो क्या बियॉन्ड द पार्टी लाइन सोशल जस्टिस, समाजवाद और न्याय के लिए एकजुट नहीं हो सकते? दुर्भाग्य है, कभी उठाते नहीं। मैंने तो बहुत का मीसा जी जब थी लोकसभा में, पप्पू यादव, मीसा, रामगोपाल यादव, बैकवर्ड से दलित तो ज़्यादातर सांसद मरे हुए हैं, बुजदिल,
इतने कायर हैं कि डर की वजह से बोलते नहीं, तो मैं क्या उम्मीद करूँ। और पढ़ाई लिखाई का फ़र्क है, एक्सपोजर था। अगर पढ़ाई लिखाई स्कूली नहीं है तो प्रयास तो कर सकते हैं, आपसे सीख सकते हैं, लाइब्रेरी से सीख सकते हैं, विद्वान लोगों के साथ में इंटरेक्शन करके जान तो सकते हैं। भारतीय मीडिया का क्या करेक्टर देखते हैं? एक वाशिंगटन पोस्ट है, पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। भारत की मीडिया क्या उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट करती है जो कास्टिज्म के एक्यूज हैं? भारतीय मीडिया का भी चरित्र पूंजीवादी जातिवादी है। देखिए, ट्रंप का ट्विटर ब्लॉक कर दिया था, है किसी मीडिया के हिम्मत के मोदी जी के ट्विटर को ब्लॉक कर दे? ये फर्क है, बस इसी से जान सकते हैं कि मीडिया कितना इंडिपेंडेंट। एक पार्टी का सवाल है आपसे, आज आपने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या प्लानिंग है आपकी पार्टी की तरफ से जो आपको जिम्मेदारी दी गई है? जो आप देखिए, आज दस्तकार आयोग बनाने की बात थी, उसके ऊपर लोग इकट्ठे हुए थे, 5 राज्यों के लोग हैं, और उसको हम आगे डेवलप कर रहे हैं और करोड़ों दस्तकारों को हम जोड़ेंगे। दिल्ली में भी बैठक हो रही थी, आप अभी वहीं से निकले हैं, दिल्ली कांग्रेस में क्या उधेड़बुन चल रही है, क्या कोई बड़ी वो चिंतन शिविर जो उदयपुर में है वही है? हाँ। कोई नया नहीं है, वो जो सारे एडाप्ट किए गए हैं, जो रिजोल्यूशन है, जो चिंतन हुआ, उसको यहाँ तक नीचे तक पहुँचाना है। सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस में भी SC ST OBC की भागीदारी, रिप्रेजेंटेशन आरक्षण की तरह हो, इसकी मांग हो रही है। ये वहाँ पर डिस्कशन जरूर आया था और डिस्कशन है, हम लोग मांग कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं पार्टी के लिए। अच्छा, एक सवाल सर, जैसी आप तो बुद्धिस्ट भी हैं, आपने तो धम्म अपनाया भी है, मोहन भागवत का बयान आया कि अब मंदिर मस्जिद में हम शिवलिंग नहीं खोजेंगे, क्योंकि जैसे ही शेड्यूल कास्ट लोगों ने, OBC के लोगों ने, बुद्धिस्टों ने क्लेम किया कि सारे मंदिरों की खुदाई हो, इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वो सब लगा दिया, आग अपने आप लग फैल रही, अब जरूरत नहीं है ना। तो आप लोग करेंगे, कोर्ट जाएंगे, क्लेम करेंगे कि भाई हमारे बुद्ध नहीं है? कोर्ट उन्हीं का फैसला, उन्हीं के पक्ष में जाता है, लेकिन चर्चा में लाया, चर्चा में आ गया है, तिरुपति है और जगन्नाथ का तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि बुद्धिस्ट प्लेस है। क्या लग रहा है भारत का SC ST OBC माइनॉरिटी पॉलिटिकल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप कहीं ना कहीं इंटरनेशनली अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है, या वो पॉलिटिकल एक्टिव नहीं है, सोशली एक्टिव नहीं है? सोशली भी है और मीडिया से कटे हुए, सोशल मीडिया से बहुत कटे हुए हैं और पुराने तरीके से, पुराना तरीका है उनका, बदलना पड़ेगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को उन्होंने ऑप्ट नहीं किया, करना चाहिए, एक्सपोजर, एक्सपोजर की कमी। हाँ, नेशनल दस्तक को देखना चाहिए, ट्विटर अकाउंट खोलना चाहिए और फेसबुक लाइव वगैरह करना चाहिए, उनको ये सब होना चाहिए। क्या कहेंगे जो आपके कास्टिस्ट वाले ट्वीट को लेकर जो गाली गलौज करते हैं, जो आपको ट्रोल करते हैं, मीडिया के लोग हों या तमाम अनुवादी लोग हों, अब जबकि गूगल में सारा मामला आ गया है, तो अब आप उससे क्या कहेंगे? वो करते रहेंगे, वो तो देश छूट जाए, जान चली जाए इस लोगों को, चाहे जो भी हो, चाहे जो जिस भी जाति का हो, जाति उसकी नजर। अभी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया तो जिस जात के लोगों का सिलेक्शन हुआ, उनके जातियों के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं केवल सवर्ण के लिए नहीं कहूँगा, सबके लिए कहूँगा। क्या लग रहा है हम भारतीय नहीं बन पा रहे हैं? भारतीय नहीं बन पाएंगे, जाति व्यवस्था नहीं बनने देगी ये। डॉक्टर उदित राजे, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में एकमात्र ऐसे बहुजन नेता हैं जो तमाम विषयों पर, खासकर कास्ट एट्रोसिटी पर, इंटरनेशनल मुद्दे पर एक सूत्र उनकी जानकारी होती है। आप उनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर उदित राज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।